स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, नाउ वी आर गोइंग टू रीड योर बुक सोशल साइंस हिस्ट्री चैप्टर 3, कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशंस राइज एंड एक्सपेंशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस सम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स लाइक दैट। नंबर 1, द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट मीन्स संसद के कार्य। नंबर 2, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर मीन्स प्रशासनिक संरचना। नंबर 3, मेजर लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट मीन्स प्रमुख भू राजस्व बंदोबस्त। नंबर 4, रिन्यूज कलेक्शंस सिस्टम्स मीन्स राजस्व संग्रह प्रणाली। नंबर 5, कमर्शलाइजेशंस ऑफ एग्रीकल्चर मीन्स कृषि का व्यवसायीकरण। नंबर 6, द ट्राइब कम्युनिटी मीन्स जनजाति समुदाय। नंबर 7, ट्राइब रिवॉल्व्स मीन्स जनजाति विद्रोह। लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। द इंग्लिश इनिशियली केम टू इंडिया एज ट्रेडर्स। अंग्रेज शुरू में व्यापारियों के रूप में भारत आए। देयर एम वॉज टू अर्न ग्रेटर प्रॉफिट्स, उनका उद्देश्य अधिक से अधिक मुनाफा कमाना था। सून दे टर्न कॉन्क्यूरस एंड ऑक्यूपाइड ए लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। उन जल्द ही वे विजेता बन गए और भारत के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। दे फॉर्मुलेटेड पॉलिसीज टू गवर्न दीज टेरोरीज, उन्होंने नीतियों के क्षेत्र तैयार किए। दीज पॉलिसीज वर डिजाइंस टू सर्व द ब्रिटिश इंटरेस्ट, इन नीतियों को ब्रिटिश हितों की सेवा के लिए डिजाइन किया गया। द वेलफेयर ऑफ द कॉमन पीपल वॉज नेवर प्रायोरिटी विद देम, आम लोगों का कल्याण उनके साथ कभी प्राथमिकता नहीं रहा। कंपनी एट दिस टाइम वॉज इन ए फाइनेंशियल क्राइसिस एंड आस्क्ड फॉर ए लोन फ्रॉम द ब्रिटेन गवर्नमेंट। कंपनी इस समय वित्तीय संकट में थी और उसने ब्रिटेन सरकार से ऋण मांगा। दीज ब्रिटिश पार्लियामेंट डिसाइडेड टू टुक लुक इन टू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, रेगुलेट इट्स फंक्शनिंग एंड कीप ए चेक ऑन इट्स ऑफिशियल्स। ब्रिटिश संसद ने कंपनी के मामलों को देखने में इसके कामकाज को विनियमित करने और इसके अधिकारियों पर नज़र रखने का फैसला किया। द फर्स्ट स्टेप इन दिस प्रोसेस वॉज द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इस प्रक्रिया में पहला कदम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट मीन्स संसद के कार्य। द ईस्ट इंडिया कंपनी बींग पार्लियामेंटरी ए प्राइवेट कंपनी कुड नॉट रियली बिकम ए पॉलिटिकल रूलर। ईस्ट इंडिया कंपनी मुख्य रूप से एक निजी कंपनी होने के कारण वास्तव में एक राजनीतिक शासक नहीं बन सकती थी। सो इट वॉज फेल्ट दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट शुड कंट्रोल द बेसिक पॉलिसीज ऑफ द कंपनीज इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन विच वॉज बिकमिंग इंक्रीजिंगली करेक्ट। इसलिए यह महसूस किया गया कि ब्रिटिश सरकार को कंपनी के भारतीय प्रशासन की बुनियादी नीतियों को नियंत्रित करना चाहिए जो तेजी से भ्रष्ट होती जा रही हैं। द कंट्रोल ओवर द कंपनी वॉज स्टेबलाइज्ड थ्रू वेरियस एक्ट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। कंपनी पर नियंत्रण ब्रिटिश सरकार द्वारा विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से स्थापित किया गया था। More to know, the Pitt's India Act was named after the British Prime Minister William Pitt या Younger. Pitt's India Act का नाम British प्रधानमंत्री William Pitt the Young के नाम पर रखा गया था। The Regulating Act of 1773 was the first step in this direction. Act 1773 का विनियमन एक्ट इस दिशा में पहला कदम था। दिस एक्ट सब्जेक्टेड द एक्शंस ऑफ द गवर्नर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द
सुपरविजन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासकों के कार्यों को ब्रिटिश सरकार के पर्यवेक्षण के अधीन कर लिया था। लेटर ए न्यू एक्ट द पिट इंडिया एक्ट 1784 वाज पास्ड टू इम्प्रूव अपॉन द रेगुलेटिंग एक्ट। बाद में विनियमन एक्ट में सुधार के लिए एक नया अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया था। दिस एक्ट रिमेन्ड द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टिल 1857। यह अधिनियम 1857 तक प्रशासन का मूल सिद्धांत बना रहा। द एक्ट ऑफ 1786 ब्रॉट अबाउट मोर चेंजेस विच गेव द गवर्नर जनरल द राइट टू ओवर रूल हिस काउंसिल। 1786 के अधिनियम ने और अधिक परिवर्तन लाए जिससे गवर्नर जनरल को अपनी परिषद को खत्म करने का अधिकार मिल गया। द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 एबोलिश्ड द कंपनीज मोनोपोली ऑफ इंडियन ट्रेड एंड ओपन ट्रेड गेट्स फॉर ब्रिटिश पर्संस। 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारतीय व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया और सभी ब्रिटिश व्यक्तियों के लिए व्यापार द्वार खोल दिए गए। इन दिस वे थ्रू द वेरियस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ब्रोट अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इस तरह संसद के विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश सरकार के अधीन लाया गया। द रियल एंड इफेक्टिव पावर रेस्टेड विद द गवर्नर जनरल। वास्तविक और प्रभावी शक्ति गवर्नर जनरल के पास थी। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर मीन्स प्रशासनिक संरचना। द ब्रिटिश डिवाइडेड द टेरिटरीज दे ऑनर इन इंडिया इंटू प्रोविंसेस। अंग्रेजों ने भारत में अपने स्वामित्व वाले क्षेत्रों को प्रांतों में विभाजित किया। द प्रोविंसेस वर फर्दर डिवाइडेड इंटू डिस्ट्रिक्ट्स। प्रांतों को आगे जिलों में विभाजित किया गया था। बंगाल बॉम्बे एंड मद्रास वर सम इम्पोर्टेंट प्रोविंसेस। बंगाल बॉम्बे और मद्रास कुछ महत्वपूर्ण प्रांत थे। ईच प्रोविंस वाज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय ए गवर्नर। प्रत्येक प्रांत का प्रशासन एक गवर्नर द्वारा किया जाता था। द ओवरऑल कंट्रोल रेस्टेड विद द गवर्नर जनरल हु एक्टेड एज द हेड ऑफ एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन। संपूर्ण नियंत्रण गवर्नर जनरल के पास था जो पूरे प्रशासन के प्रमुख के रूप में कार्य करता था। ए कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाज द हेड ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट। एक कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट एक जिले का प्रमुख होता था। हिज ड्यूटी वाज टू सुपरवाइज रेवन्यू कलेक्शंस एंड द ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। उनका कर्तव्य राजस्व संग्रह और जिले के समग्र प्रशासन की निगरानी करना था। द डेली एडमिनिस्ट्रेशन वाज कैरिड आउट बाय 4 एजेंसीज। दैनिक प्रशासन 4 एजेंसियों द्वारा किया जाता था। नंबर 1 द सिविल सर्विसेज फॉर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन सामान्य प्रशासन के लिए सिविल सेवाएं। नंबर 2 द आर्मी टू प्रोटेक्ट द टेररिस्ट हेल्ड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया भारत में अंग्रेजों के कब्जे वाले क्षेत्रों की रक्षा के लिए सेना। नंबर 3 द पुलिस टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड टू एंश्योर पीस पुलिस कानून और व्यवस्था बनाए रखने और शांति सुनिश्चित करने के लिए। नंबर 4 द जुडिशरी टू प्रोवाइड जस्टिस न्यायपालिका को न्याय प्रदान करना। सिविल सर्विस मीन्स नागरिक सेवा। विद द पासेज ऑफ टाइम द टेररिस्ट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सपेंडेड एंड वेल ट्रेन पर्सनल वर रिक्वायर्ड टू मैनेज द एनॉर्मस टास्क ऑफ गवर्नमेंट्स। समय बिताने के साथ भारत कंपनी के पूर्वी क्षेत्रों का विस्तार हुआ और अच्छी तरह से प्रशिक्षित कर्मियों को शासन के विशाल कार्य का प्रबंधन करने के लिए आवश्यकताएं बताई गईं। इन 1793 लॉर्ड
Cornwallis started the civil services in India as Indian Civil Services ICS to administer to the company's territories effectively. 1793 में लॉर्ड कार्नवालिस ने कंपनी के क्षेत्रों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए भारतीय नागरिक सेवा ICS के रूप में भारत में नागरिक सेवाओं की शुरुआत की. He introduced strict regulations for the officials, raised their salaries to remove corruptions and linked their promotions to seniority. उन्होंने अधिकारियों के लिए सख्त नियम पेश किए, भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए उनके वेतन में वृद्धि की और उनकी पदोन्नति को वरिष्ठता से जोड़ा. इन 1801 लॉर्ड वेलेस्ले सेट अप ए कॉलेज एट फोर्ट विलियम्स टू एजुकेट द यंग रिक्रूट्स. 1801 में लॉर्ड वेलेस्ले ने युवा रंग रूटों को शिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम में एक कॉलेज की स्थापना की. However, the directions of the East India Company replaced it with their own college named East India College at Harilbury in Britain. हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशकों ने इसे अपने स्वयं के कॉलेज में बदल दिया, जिसका नाम ईस्ट इंडिया कॉलेज ब्रिटेन हेलेवरी में रखा गया. दे एजुकेटेड द स्टूडेंट्स अबाउट इंडियन लैंग्वेजेस एंड सोशल आर्म्स एंड द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया. उन्होंने छात्रों को भारतीय भाषाओं और सामाजिक हथियारों और भारत में सरकार की व्यवस्था के बारे में शिक्षित किया. सून ICS बिकेम ए प्रेस्टिजियस ऑफिस फॉर यंग अपर क्लास इंग्लिशमैन. जल्द ही ICS युवा उच्च वर्ग के अंग्रेजों के लिए एक प्रतिष्ठित कार्यालय बन गया. टिल 1853 द सिविल सर्वेंट्स वर नॉमिनेटेड बाय द डायरेक्शंस ऑफ द कंपनी. 1853 में सिविल सेवकों को कंपनी के लिए निर्देशकों द्वारा नामित किया जाता था. बट देयर आफ्टर द सिविल सर्वेंट्स बिगिन टू बी सिलेक्टेड थ्रू ए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. उसके बाद एक प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवकों का चयन किए जाने लगा. इंडियंस वर परमिटेड टू टेक द एग्जामिनेशन ओनली आफ्टर 1858. भारतीयों को 1858 के बाद ही परीक्षा देने की अनुमति दी गई थी. इवन देन इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू गेट सिलेक्टेड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स. तब भी निम्नलिखित कारणों से उनका चयन करना बहुत मुश्किल था. द एग्जामिनेशन फॉर ICS वॉज हेल्ड इन लंडन. ओनली ए फ्यू इंडियंस कुड अफोर्ड द ट्रेवल कोस्ट. ICS की परीक्षा लंदन में आयोजित की गई थी. केवल कुछ भारतीय ही यात्रा का खर्च वहन कर सकते थे. द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशंस वॉज इंग्लिश विच वॉज ए फॉरिजनर लैंग्वेज फॉर मोस्ट इंडियंस. अभिव्यक्ति का माध्यम अंग्रेजी थी, जो अधिकांश भारतीयों के लिए एक विदेशी भाषा थी. द अपर एज लिमिट फॉर कंपेटिंग वॉज वेरी लो. प्रतिस्पर्धा के लिए ऊपरी आयु सीमा बहुत कम थी. मोर टू नो सत्येंद्र नाथ टैगोर ब्रदर ऑफ रविंद्र नाथ टैगोर वॉज द फर्स्ट इंडियन टू पास द ICS एग्जाम. रविंद्रनाथ टैगोर के भाई सत्येंद्र नाथ टैगोर ICS परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय थे. ही वेंट टू ब्रिटेन टू टेक द एग्जाम्स एंड द सिलेक्टेड इन जून 1863. वे परीक्षा देने के लिए ब्रिटेन गए और जून 1863 में उनका चयन हो गया. ही कंप्लीटेड हिज ट्रेनिंग एंड रिटर्न टू इंडिया इन नवंबर 1864. हिज फर्स्ट पोस्टिंग वॉज एट बॉम्बे प्रेसिडेंसी. उन्होंने अपना प्रशिक्षण पूरा किया और नवंबर 1864 में भारत लौट आए. उनकी पहली पोस्टिंग बॉम्बे प्रेसिडेंसी में थी. आर्मी मीन्स सेना.
The East India Company required a regular army to protect its Indian trade settlements from aggressive local rulers and rival European companies. ईस्ट इंडिया कंपनी को आक्रामक स्थानीय शासकों और प्रतिद्वंद्वी यूरोपीय कंपनियों ने अपनी भारतीय व्यापार बस्तियों की रक्षा के लिए एक नियमित सेना की आवश्यकता थी. इन 1748 द कंपनीज फोर्सेज एट मद्रास वर अंडर द कमांड फॉर एन एक्सपीरियंस्ड ब्रिटिश ऑफिसर नेम्ड स्ट्रिंगर लॉरेंस. 1748 में मद्रास में कंपनी की सेना स्ट्रिंगर लॉरेंस नामक एक अनुभवी ब्रिटिश अधिकारी की कमान में थी. ही वॉज गिवन द रेस्पॉन्सिबिलिटीज टू ट्रेन द मिक्स्ड बैंड ऑफ यूरोपियन एंड इंडियन सोल्जर्स. उन्हें यूरोपीय और भारतीय सैनिकों के मिश्रित बैंड को प्रशिक्षित करने की जिम्मेदारी दी गई थी. थस ही लेड द फाउंडेशंस ऑफ एन आर्मी विच ग्रू इन टू द रेगुलर मद्रास आर्मी इन द नेक्स्ट डिकेट. इस प्रकार उन्होंने एक सेना की नींव रखी जो अगले दशक में नियमित मद्रास सेना में विकसित हुई. वर्किंग ऑन द सेम लाइन्स बॉम्बे एंड कलकत्ता टू ट्रेनिंग देयर सेपरेट आर्मीज. उसी तर्ज पर काम करते हुए बॉम्बे और कलकत्ता ने भी अपनी अलग सेनाओं को प्रशिक्षित किया. लेटर ऑल द थ्री आर्मीज वर यूनाइटेड टू फॉर्म द ब्रिटिश इंडियन आर्मी. बाद में तीनों सेनाओं को ब्रिटिश भारतीय सेना बनाने के लिए एकजुट किया गया. कंपोजिशन ऑफ ब्रिटेन इंडियन आर्मीज मीन्स ब्रिटिश भारतीय सेना की संरचना. द ब्रिटिश इंडियन आर्मी कंसिस्टेड ऑफ टू ट्रूप्स द रॉयल ट्रूप्स एंड द कंपनीज ट्रूप्स. ब्रिटिश भारतीय सेना में दो सैनिक शामिल थे, शाही सैनिक और कंपनी के सैनिक. द रॉयल ट्रूप्स हैड ओनली ब्रिटिश रिक्रूट्स. शाही सैनिकों में केवल ब्रिटिश रंग रूट थे. देयर टर्म्स टू सर्विस वर फार बेटर देन द कंपनीज ट्रूप्स विच वर ए मिक्स ऑफ बोथ यूरोपियन एंड इंडियन सोल्जर्स. उनकी सेवा की शर्तें कंपनी के सैनिकों की तुलना में कहीं बेहतर थी जो यूरोपीय और भारतीय दोनों सैनिकों का मिश्रण था. द इंडियन सोल्जर्स वर कॉल्ड सिपॉयज फ्रॉम द पर्शियंस वर्ड सिपाही मीनिंग्स सोल्जर्स. भारतीय सैनिकों को फारसी शब्द सिपाही से सिपाही कहा जाता था जिसका अर्थ सैनिक होता था. द हाइएस्ट पोजिशन दैट एन इंडियन कुड होल्ड इन कंपनीज ट्रूप्स वॉज दैट ऑफ ए सबूदार, ए रैंक ऑफ लोअर दैन दैट ऑफ एन ऑफिसर. भारतीय सैनिकों जैसे कंपनी की टुकड़ियों में एक भारतीय जो सर्वोच्च पद पर धारण कर सकता था वह सूबेदार था जो एक अधिकारी से नीचे का रैंक था. वाई 1815 देयर वर 2 लाख सोल्जर्स इन द आर्मीज. 1815 तक सेना में 2 लाख सैनिक थे. दिस ह्यूज आर्मीज वॉज यूज टू कंट्रोल इंडियन इन द फॉलोइंग वेज. इस विशाल सेना का उपयोग भारत को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित तरीकों से किया गया था. द कॉन्क्योर्स मोर टेरोरीज अधिक क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करने के लिए. टू प्रोटेक्ट ब्रिटिश टेरोरीज फ्रॉम रिवाइल्स ब्रिटिश क्षेत्रों को प्रतिद्वंदियों से बचाने के लिए. टू प्रोटेक्ट द ट्रेडिंग इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी कंपनी के व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए. टू सुप्रेस द इंटरनल रिवॉल्व एज एंड वैन दे एरोज अगेंस्ट द ब्रिटिश आंतरिक विद्रोहों को दबाने के लिए और जब वे उनके खिलाफ उठे अंग्रेजों के लिए. पुलिस लॉर्ड कार्नवालिस इस्टेब्लिश्ड ए रेगुलर पुलिस फोर्स इन इंडिया. लॉर्ड कार्नवालिस ने भारत में एक नियमित पुलिस बल की स्थापना की. ही डिवाइडेड ईच डिस्ट्रिक्ट इंटू ए नंबर ऑफ थानास. उन्होंने प्रत्येक जिले को थानों की जिला संख्या में विभाजित किया. ए डिस्ट्रिक्ट सुप्रिंटेंडेंट हेडेड द पुलिस फोर्स इन द डिस्ट्रिक्ट.
एक जिला अधीक्षक ने जिले में पुलिस बल का नेतृत्व किया। ए दरोगा वास इंचार्ज ऑफ ईच थाना विच आर्म्ड मैन अंडर हिम टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर। शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उनके अधीन सशस्त्र पुरुषों के साथ प्रत्येक थाने का प्रभावी एक दरोगा को बनाया गया। टाउन्स एंड विलेजेस हैड कोतवाल्स एंड चौकीदार्स रेस्पेक्टिवली। कस्बों और गाँव में क्रमशः कोतवाल और चौकीदार होते थे। इंडियंस वर इंक्लूडेड फ्रॉम द सुपेरियर पोस्ट इन द पुलिस फोर्स टू। पुलिस बल में भी सभी वरिष्ठ पदों से भारतीयों को बाहर रखा गया था। द पुलिस वॉज एन इफेक्टिव फोर्स एंड दे सक्सेडेड इन रिड्यूसिंग मेजर क्राइम्स। पुलिस एक प्रभावी बल थी और वे बड़े अपराधों को कम करने में सफल रहे। However, the police was not popular among the masses as the lower ranking police personnel were notorious for corruption, operations and unsympathetic behavior. हालांकि पुलिस जनता के बीच लोकप्रिय थी क्योंकि निचली श्रेणी के पुलिसकर्मी भ्रष्टाचार, उत्पीड़न और गैर सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार के लिए कुख्यात थे। Judiciary means न्यायपालिका। Before the British rule, Indian laws were based on regional and local customs and traditions. ब्रिटिश शासन से पहले भारतीय कानून क्षेत्रीय और स्थानीय रीति रिवाजों और परंपराओं पर आधारित थे। In Italy, the British did not change the Indian system of law. प्रारंभ में अंग्रेजों ने भारतीय कानून व्यवस्था को नहीं बदला। They applied British laws only to the Europeans. उन्होंने ब्रिटिश कानूनों को केवल यूरोपीय लोगों पर लागू किया। However, the existence of two different sets of laws created confusion. हालांकि दो अलग अलग कानूनों के अस्तित्व में भ्रम पैदा किया। Major land revenue settlement means प्रमुख भू राजस्व बंदोबस्त। The EEIC introduced three main types of land revenue arrangements in India. EEIC ने भारत में तीन मुख्य प्रकार के भू राजस्व व्यवस्थाओं की शुरुआत की। These were the permanent settlement, the Mahalwari settlement and the Rayotwari settlement. ये स्थाई बंदोबस्त, महलवारी बंदोबस्त और रेयतवारी बंदोबस्त थे। रिवेन्यू कलेक्शन सिस्टम्स मीन्स राजस्व संग्रह प्रणाली। परमानेंट सेटलमेंट मीन्स स्थाई बंदोबस्त। द सिस्टम ऑफ परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793। स्थाई बंदोबस्त की प्रणाली 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू की गई थी। इट कवर्ड बंगाल, बिहार, ओडिशा एंड बनारस डिवीज़न ऑफ यूपी अकाउंटिंग फॉर 19% ऑफ द ब्रिटिश टेरोरेट्स। जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा और यूपी के बनारस डिवीज़न शामिल थे जो ब्रिटिश क्षेत्रों का 19% हिस्सा था। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम द लैंड ओनर्स और जमींदार्स गॉट द हेरिडिटरी राइट्स ओवर लैंड वाइल द फार्मर्स वर रिड्यूस्ड टू द स्टेटस ऑफ टेनेंट्स। इस प्रणाली के अनुसार जमींदारों या जमींदारों को भूमि पर वंशानुगत अधिकार प्राप्त होते थे जबकि किसानों को काश्तकार की स्थिति में कम कर दिया जाता था। दीज टेनेंट्स लॉस्ट द राइट्स टू द यूज ऑफ pastures and forest lands, irrigation canal of and fishing ponds. इन टैलेंट्स के चरागाहों और वन भूमि, सिंचाई नहरों और मछली पकड़ने के तालाबों के उपयोग का अधिकार खो दिया गया था। द जमींदार्स हैड टू पे ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लैंड रिवेन्यू एवरी ईयर टू द कंपनी इवन इफ देयर वर एडवर्स conditions such as floods or droughts.
जमींदारों को हर साल कंपनी को एक निश्चित भू राजस्व का भुगतान करना पड़ता था, भले ही बाढ़ या सूखे जैसी प्रतिकूल परिस्थितियां हों। इफ दे फेल्ड टू पे लैंड रिवेन्यू, देयर लैंड शुड बी एक्यूज्ड ऑफ। यदि वे भू राजस्व का भुगतान करने में विफल रहते हैं तो उनकी भूमि की नीलामी हो की जानी चाहिए। Whatever remains with the जमींदार after paying the revenue was his profit. Initially, 89% of all the revenue collected was handed over to the company and only 11% remained with the जमींदार. राजस्व चुकाने के बाद जमींदार के पास जो कुछ बचा था वह उसका लाभ था। प्रारंभ में एकत्र किए गए सभी राजस्व का 89% कंपनी को सौंप दिया गया था और केवल 11% जमींदारों के पास रह गया था। द लैंड रिवेन्यू वाज फिक्स्ड एट रफली 50% ऑफ द टोटल प्रोड्यूस। भू राजस्व कुल उपज का लगभग 50% तय किया गया था। इम्पैक्ट्स ऑफ परमानेंट सेटलमेंट मीन्स स्थायी बंदोबस्त के प्रभाव। द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इफेक्टिव मैनी लिप्स। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली ने कई जिंदगियों को प्रभावित किया। इट वॉज बेनिफिशियल फॉर द कंपनी बट नो फॉर द फार्मर्स। यह कंपनी के लिए फ़ायदेमंद था लेकिन किसानों के लिए फ़ायदेमंद नहीं था। एश्योर्ड इनकम फॉर कंपनी मीन्स कंपनी के लिए सुनिश्चित आय। दिस सिस्टम एंश्योर्ड देम ए फिक्स्ड एंड रेगुलर इनकम विदाउट टेकिंग द ट्रबल टू कलेक्ट इट फ्रॉम ईच एंड एवरी फार्मर। इस प्रणाली ने उन्हें कैश और हर किसान से इकट्ठा करने की परेशानी के बिना एक निश्चित और नियमित आय सुनिश्चित की। न्यू लैंडलॉर्ड्स मीन्स नए जमींदार। द जमींदार बिकेम द हेरिडिटरी ओनर ऑफ द लैंड। जमींदार भूमि के वंशानुगत मालिक बन गए। दे कुड नॉट सेल और लीज द लैंड्स एज दे विश्ड। वे अब अपनी इच्छानुसार जमीन को बेच या पट्टे पर दे सकते थे। सिंस दीज न्यू लैंडलॉर्ड्स हैड नो एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड्स, दे वर ओनली इंटरेस्टेड इन मेकिंग ए प्रॉफिट। चूंकि इन नए जमींदारों की कोई कृषि पृष्ठभूमि नहीं थी, वे केवल लाभ कमाने में रुचि रखते थे। कंडीशंस ऑफ पीजेंट्स मीन्स किसानों की स्थिति। द फार्मर्स लॉस्ट देयर राइट्स टू लैंड एंड हैड टू पे वेरी हाई रिवेन्यू इवन इफ द क्रॉप्स फेल्ड। किसानों ने भूमि पर अपना अधिकार खो दिया था और फसल के लिए खराब होने पर भी बहुत अधिक राजस्व देना पड़ा। टू पे द रिवेन्यू द फार्मर्स ऑफ्टन हैड टू बोरो मनी फ्रॉम मनी लैंडर्स एंड वर डीपली इनडेप्टेड। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू रिपे दिस डेप्ट। राजस्व का भुगतान करने के लिए किसानों को अक्सर साहूकारों से पैसे उधार लेने पड़ते थे और वह गहरे कर्जदार होते गए। इस कर्ज को चुकाना बहुत ही मुश्किल था। रिड्यूस्ड प्रोडक्टिविटी मीन्स घटी हुई उत्पादकता। द मेथड ऑफ कल्टीवेशन रिमेन बैकवर्ड एंड द प्रोड्यूसिविटी ड्रॉप्ड विथ ईच पासिंग ईयर। खेती के तरीके पिछड़े रहे और हर गुजरते साल के साथ उत्पादकता में गिरावट आई। द फेलियर ऑफ मॉनसूनस एंड इम्प्रॉपर इरीगेशन फैसिलिटीज फोर्स मैनी फार्मर्स टू लीव देयर लैंड्स एंड माइग्रेट टू अदर रीजन्स। मानसून की विफलता और अनुचित सिंचाई सुविधाओं ने कई किसानों को अपनी भूमि छोड़ने और अन्य क्षेत्रों में पलायन करने के लिए मजबूर किया। रेयतवारी सेटलमेंट। द रेयतवारी सिस्टम कवर्ड बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज अकाउंटिंग फॉर 51% ऑफ द कंपनीज टेरिटोरीज।
रैयतवारी प्रणाली ने बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को कवर किया, जो कंपनी के क्षेत्रों को 51% हिस्सा देता था। थॉमस मनरो द गवर्नर ऑफ मद्रास 1819-26 डेवलप्ड दिस सिस्टम, सो इट आल्सो नोन एज द मनरो सिस्टम। मद्रास के गवर्नर थॉमस मनरो 1826 ने इस प्रणाली को विकसित किया, इसलिए इस मनरो सिस्टम के नाम से भी इसे जाना जाता था। महलवारी सिस्टम। द कंपनी नीडेड मोर मनी टू मीट इट्स एक्सपेंसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेड। कंपनी को प्रशासन और व्यापार के अपने खर्चों को पूरा करने के लिए अधिक धन की आवश्यकता थी। मैनी ऑफ द कंपनीज ऑफिशियल्स वर कन्विक्टेड दैट द सिस्टम ऑफ रेवन्यू हैड टू बी चेंज्ड अगेंस्ट। कंपनी के कई अधिकारी आश्वस्त थे कि राजस्व प्रणाली को फिर से बदलना होगा। द इंग्लिश इंट्रोड्यूस्ड इन 1822 ए न्यू लैंड सेटलमेंट्स ऑन ए टेम्पररी बेसिस सो फार एज रेवन्यू वॉज कंसर्न। अंग्रेजों ने 1822 में एक स्थायी आधार पर एक नई भूमि बंदोबस्त की शुरुआत की, जहां तक राजस्व का संबंध था। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन गंगेस्टिक वैली नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस पार्ट ऑफ बंगाल इन बॉम्बे द पंजाब एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। यह गंगा घाटी उत्तर पश्चिम प्रांतों बम्बई में बंगाल के कुछ हिस्सों पंजाब और मध्य भारत में कुछ हिस्सों में पेश किया गया था। इट वॉज डिवाइज्ड बाय होल्ट मैकनजी फॉर फेल्ट दैट ए प्लेस वॉज एन इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन इन नॉर्थ इंडियन सोसाइटी एंड नीडेड टू बी प्रिजर्व्ड। यह होल्ट मैकेंजी द्वारा तैयार किया गया था, जिन्होंने महसूस किया था कि एक गांव उत्तर भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और इसे संरक्षित करने की आवश्यकता है। अंडर दिस सिस्टम महल्स ग्रुप्स ऑफ विलेज वर क्रिएटेड एज कम्युनिटी ब्लॉक्स। इस प्रणाली के तहत महलों मीन्स गाँव के समूह को सामुदायिक ब्लॉक के रूप में बनाया गया था। This unit was created for the purpose of the land revenue from their respective महल्स or blocks. इकाई, यह इकाई उनके संबंधित महलों या ब्लॉकों से भू राजस्व के उद्देश्य में बनाई गई थी। Moreover, the land revenue was not fixed permanently, but was to be reviewed on the basis of the produce of a महल and रिवाइव्ड अकॉर्डिंगली। इसके अलावा भू राजस्व स्थायी रूप से तय नहीं किया गया था, लेकिन महल की उपज के आधार पर समीक्षा की जानी थी कि तहतनुसार संशोधित किया गया था। इफेक्ट्स ऑफ द लैंड रिवन्यू सिस्टम। भू राजस्व व्यवस्था के प्रभाव। नंबर वन, ऑल द सिस्टम्स ऑफ कलेक्टिंग लैंड रिवन्यू वर वेरी oppressive and not at all friendly to the cultivator. In fact, they added to their misery. भू राजस्व एकत्र करने की सभी प्रणालियाँ बहुत दमनकारी थीं और किसान के अनुकूल नहीं थीं। वास्तव में उन्होंने उनके दुख को जोड़ा। नंबर टू, परमानेंट सेटलमेंट क्रिएटेड ए क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड्स हु रियून द पीजनेट्री। स्थायी बंदोबस्त ने जमींदारों के एक वर्ग का निर्माण किया, जिन्होंने किसानों को बर्बाद कर दिया। नंबर थ्री, द जमींदार टुक नो इंटरेस्ट इन द डेवलप्ड ऑफ लैंड, इंस्टेड दे मेयरली बिकेम एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स लिविंग इन कलकत्ता और फार अवे टाउन्स, थ्रीविंग ऑन द इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम द पुअर फार्मर्स। जमींदारों ने भूमि के विकास में कोई दिलचस्पी नहीं ली, इसके बजाय वे केवल कलकत्ता या दूर के शहरों में रहने वाले अनुपस्थित जमींदार बन गए, जो गरीब किसानों से प्राप्त आय पर संपन्न थे।
नंबर फोर, द लैंड रेवन्यू टू बी पेड बाय द पीसेंट्स वाज नॉट फिक्स्ड एंड डिपेंडेड ऑन द वीम्स ऑफ द लैंडलॉर्ड्स हु हैड द राइट टू इजेक्ट द पीसेंट्स फ्रॉम देयर लैंड. इट इंट्रोड्यूस्ड एन एलिमेंट्स ऑफ इनसिक्योरिटी. किसानों द्वारा भुगतान किया जाने वाला भू राजस्व निश्चित नहीं था जो और जमींदारों की सनक पर निर्भर था, जिसे किसानों को अब उनकी भूमि से बेदखल करने का अधिकार था. इसने असुरक्षा का एक तत्व पेश किया. नंबर फाइव, टू अवॉइड इजेक्शंस फ्रॉम लैंड द पीसेंट्स हैड टू बोरो मनी फ्रॉम द मनी लेंडर्स महाजन. भूमि से बेदखली से बचने के लिए किसानों को साहूकार महाजन से उधार लेना पड़ता था. थस इन द ऑर्डर टू सेव themselves फ्रॉम द जमींदार्स दे सब्जेक्टेड themselves टू द क्लचेस ऑफ द मनी लैंडर्स. इस प्रकार जमींदार से खुद को बचाने के लिए उन्होंने खुद को साहूकार के चंगुल में डाल दिया. इन द बिगनिंग दे लॉस्ट देयर क्रॉप्स एंड देन देयर लैंड्स टू द मनी लैंडर्स. शुरुआत में उन्होंने अपनी फसल और फिर अपनी ज़मीन साहूकार को दे दी. कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर सिंपली मीन्स दैट ए पीसेंट ग्रोज मोर देन ही एंड हिज फैमिली कैन कंज्यूम बाय सेलिंग द रेस्ट इन द मार्केट. कृषि के व्यवसायीकरण का सीधा सा अर्थ है कि एक किसान जितना वह और उसका परिवार शेष बाजार में बेचकर उपभोग कर सकता है उससे अधिक बढ़ता है. इट यूजली हैपेंस इन एन इकोनॉमी वेयर द लैंड रिवन्यू इज कलेक्टेड इन कैश रैदर देन एज पार्ट ऑफ द प्रोड्यूस. ये आम तौर पर ऐसी व्यवस्था में होता है जहां भूमि राजस्व उपज के हिस्से के बजाय नगद में एकत्र किया जाता है. कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड वॉज द आउटकम ऑफ द थ्री लैंड रिवन्यू सेटलमेंट्स दैट वी रीड अबाउट अर्लियर. भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का व्यवसायीकरण औपनिवेशिक काल के दौरान तीन भू राजस्व बंदोबस्तों का परिणाम था, जिसे हमने कार्लियर के बारे में पढ़ा. लेट्स अस सी हाउ इट हैपेंस. आइए देखें कि यह कैसे हुआ. द थ्री लैंड रिवन्यू सेटलमेंट्स वर बेस्ड ऑन कैश पेमेंट. तीन भू राजस्व बंदोबस्त नगद भुगतान पर आधारित थे. वंस दे वर पुट इन प्लेस एग्रीकल्चर स्टार्टेड गेटिंग कमर्शलाइज्ड ऑन ए रैपिड पेस. एक बार जब वे स्थापित हो गए तो कृषि का तेजी से व्यवसायीकरण शुरू हो गया. सो ऑल क्लासेस ऑफ द पीपल इन्वॉल्विंग द जमींदार द लंबरदार हैड टू मेक एनफ प्रोविशंस फॉर कैश बाय सेलिंग ए पार्ट ऑफ द प्रोड्यूस्ड इन द मार्केट टू बी एबल टू पे कैश रिवन्यू टू द ट्रेजरी. इसलिए जमींदार से जुड़े सभी वर्गों के लोग लंबरदार को नकदी का भुगतान करने में सक्षम होने के लिए उपज का एक हिस्सा बाजार में बेचकर नकदी के लिए पर्याप्त प्रावधान करना पड़ा. राजकोष को राजस्व भी कहते हैं. इंडिगो कल्टीवेशंस, नील की खेती. इंडिगो वाज ए मेजर आइटम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड फ्रॉम द 16 टू द लेट 19th सेंचुरी. 16वीं से 19वीं शताब्दी के अंत तक नील अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की एक प्रमुख वस्तु थी. इट वॉज यूज बाई क्लोथ मैन्युफैक्चरर्स टू डाई क्लोथ. इसका उपयोग कपड़ा निर्माताओं द्वारा कपड़े को रंगने के लिए किया जाता था. इंडियन इंडिगो वॉज ए ग्रेट डिमांड इन ब्रिटिश एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन कॉटन प्रोडक्शंस आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. औद्योगिक क्रांति के बाद कपास उत्पादन में वृद्धि के कारण ब्रिटिश और अन्य यूरोपीय देशों में भारतीय नील की बहुत मांग थी. अनदर रीज़न वॉज द एबंडनमेंट ऑफ इंडिगो प्रोडक्शंस इन द
Caribbean islands in the 18th century after the African slaves who worked on the indigo plantations revolved in 1791. एक अन्य कारण 18वीं शताब्दी में कैरेबियन द्वीप में नील के उत्पादन का परित्याग था जब 1791 में नील के बागानों में पर काम करने वाले अफ्रीकी दासों ने विद्रोह कर दिया था. द ब्रिटिश थर्स टर्न टू इंडिया. इस विद्रोह कर दिया था इंडिगो. इस प्रकार भारत ने अंग्रेजों ने भारत की ओर रुख लिया. इंडिगो कुड बी प्रोड्यूस्ड इन बंगाल इन लार्ज क्वांटिटीज बिकॉज ऑफ द एम्पर चीप लेवल अवेलेबल देयर. बंगाल में पर्याप्त मात्रा में सस्ते श्रम उपलब्ध होने के कारण नील का उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जा सकता था. बिसाइड्स द इक्वालिटी बंगाल इंडिगो वाज एक्सीलेंट. इसके अलावा बंगाल इंडिगो की गुणवत्ता उत्कृष्ट थी. सो द EEIC बिगेन टू लुक फॉर वेज टू ब्रिंग लार्ज एरियाज इन बंगाल अंडर इंडिगो कल्टिवेशंस. इसलिए EEIC ने नील की खेती के तहत बंगाल में बड़े क्षेत्रों को लाने के तरीके तलाशने शुरू कर दिए. देयर वर टू मेन सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टिवेशंस इंडिया. भारत में नील की खेती की दो मुख्य प्रणालियां थीं, द निज सिस्टम एंड द रॉयती सिस्टम. रॉयती सिस्टम, निज प्रणाली और रॉयती प्रणाली. द निज सिस्टम. Under this system, the planters produced indigo on lands that they directly controlled. इस प्रणाली के तहत बागवानों ने उन जमीनों पर नील का उत्पादन किया जिन पर उनका सीधा नियंत्रण था. Indigo on lands they directly, However, to cultivate indigo in plantations, they required large tracts of fertile land besides a large number of hired laborers, ploughs and blocks, so they depended mostly on the rayoti system. हालांकि वृक्षारोपण में नील की खेती के लिए उन्हें बड़ी संख्या में किराए के मजदूरों, हल और बैल के अलावा उपजाऊ भूमि के बड़े हिस्से की आवश्यकता थी, इसीलिए वे ज़्यादातर रेवती प्रणाली पर निर्भर थे. द रेवती सिस्टम. अंडर द रेवती सिस्टम ए कॉन्ट्रैक्ट वॉज साइंड बिटवीन द रेवती एंड द प्लांटर्स. रेवती प्रणाली के तहत रेवती और बागान मालिकों के बीच एक अनुबंध का अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे. द रेवर्स वर गिवन लोन्स एंड फोर्स टू ग्रो ओनली इंडिगो ऑन ए लीस्ट 25% ऑफ द एरिया अंडर देयर होल्डिंग. रियतों को ऋण दिया गया था और उनकी ओज के कम ओत उनकी जोत से कम 25% क्षेत्र पर केवल नील उगाने के लिए मजबूर किया गया था. Later, the planters informed the peasants that loans could be repaid only the supplying indigo to them at fixed low rates. बाद में बागवानों ने किसानों को सूचित किया कि ऋण केवल उन्हें कम दरों पर नील की आपूर्ति करके चुकाया जा सकता है. This system resulted in the growing improvement and operations of the peasant. इस प्रणाली के परिणाम स्वरूप किसानों की बढ़ती दरिद्रता और उत्पीड़न को झेलना पड़ा. द इंडिगो क्रॉप्स लेफ्ट द लैंड अनयूजेबल फॉर ग्रीविंग अदर फूड क्रॉप्स सो द कल्टीवेटर्स हैड टू लीव एंड लैंड बैरन. इस प्रणाली के परिणाम स्वरूप नील की फसल ने भूमि को अन्य खाद्य फसलों के लिए अनुपयोगी छोड़ दिया, इसीलिए काश्तकारों को भूमि को बंजर छोड़ना पड़ा. दे आल्सो गॉट ए वेरी लो प्राइस फॉर इंडिगो. उन्हें नील की बहुत कम कीमत भी मिली. ड्यू टू दैट दे वर अनेबल टू पे बैक द लोन विच लीड दैम इन टू क्लचेस ऑफ मनी लैंडर.
जिसके कारण वे ऋण वापस नहीं कर पाए, जिसके कारण वे साहूकारों के चंगुल में फंस गए। द इंडिगो रिवॉल्ट मीन्स नील विद्रोह। द इंडिगो एगिटेशंस ऑफ बंगाल टू प्लेस इन 1859-60। बंगाल का नील आंदोलन 1859-60 में हुआ। इट वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवॉल्ट ऑफ फार्मर्स। यह किसानों के सबसे बड़े विद्रोह में से एक था। द रेउस स्प्रीट ऑफ चंपरा एंड दरभंगा इन बिहार। रियात बिहार के चंपरा और दरभंगा में फैल गए। द फार्मर्स रिफ्यूज्ड टू सो इंडिगो ऑन देयर लैंड्स। किसानों ने अपनी ज़मीन पर नील की बुवाई करने से मना कर दिया। दे अटैक द इंडिगो फैक्ट्रीज एंड द गुमस्त्रस ऑफ एजेंट ऑफ द प्लांटर्स वर बिटेन अप। उन्होंने नील कारखानों पर हमला किया और बागान मालिकों के एजेंटों के गुमराहों को गुमाशों को पीटा गया। द वाइड स्प्रीड नेचर ऑफ द रेविलियंस फोर्स द गवर्नमेंट टू एक्ट इमीडिएटली। विद्रोहों की व्यापक प्रगति ने सरकार को तुरंत कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया। इट सेट अप द इंडिगो कमीशन टू लुक इनटू द सिस्टम ऑफ इंडिगो प्रोडक्शंस एंड सजेस्ट चेंजेस। इसने नील उत्पादन की प्रणाली को देखने और परिवर्तनों का सुझाव देने के लिए नील आयोग की स्थापना की। द ब्रिटिश पास्ड द ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेज एक्ट इन ऑर्डर टू सुप्रेसेस द वॉइस ऑफ द पीपल। अंग्रेजों ने नाटकीय प्रदर्शन पारित किया, लोगों की आवाज़ दबाने के लिए कार्रवाई भी शुरू की। विस्टामैन दीन बंधु मित्रा ए बंगाली ड्रामेटिस्ट रोट ए प्ले इन 1860 ऑन द सैड सिचुएशंस ऑफ द इंडिगो फार्मर्स इन इंडिया। बंगाली नाटककार दीन बंधु मित्रा ने 1860 में भारत में नील किसानों की दयनीय स्थिति पर एक नाटक लिखा था। हिज प्ले वॉज कॉल्ड नील दर्पण द इंडिगो मिरर इन विच ही हाईलाइटेड द एक्ट्रोरीज कंप्लीटेड बाय द इंडिगो प्लांटर्स ऑन द इंडिगो कल्टिवेटर्स। उनके नाटक को नील दर्पण मीन्स नील दर्पण कहा जाता था, जिसमें उन्होंने नील की खेती करने वाले लोगों पर जो कृत्य या उजागर को व्यक्त किया। नील दर्पण वाज सो इमोशनली मोटिवेटिंग दैट व्हेन द प्ले वाज स्टेज द नॉवलिस्ट एजुकेटर एंड रिफॉर्मर्स ईश्वर चंद्र विद्यासागर थ्रू ए शो ए एक्टर प्लेइंग द रोल ऑफ द प्लांटर। नील दर्पण इतना भावनात्मक रूप से प्रेरित था कि जब नाटक का मंचन किया गया तो उल्लेखनीय शिक्षक और सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्लांटर की भूमिका निभाकर अभिनेता पर जूता फेंका। द एक्टर एक्सेप्टेड द शो एज द कॉम्प्लीमेंट। अभिनेता ने जूते को तारीफ के तौर पर स्वीकार किया। द ट्राइबल कम्युनिटी मीन्स जनजातीय समुदाय। देयर वर मैनी ट्राइबल ग्रुप्स इन इंडिया। दे मे बी ब्रॉडली क्लासिफाइड ऑन द रीजन्स दे ऑक्यूपाई द लैंग्वेज दे स्पीक एंड द रिलीजन दे फॉलो। भारत में कई आदिवासी समूह थे। उन्हें मोटे तौर पर उन क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है जिन पर वे कब्जा करते हैं, जिस भाषा में वे बोलते हैं और जिस धर्म का वे पालन करते हैं। देयर कल्चरल कॉन्टैक्ट विद आउटसाइडर वॉज क्वाइट मिनिमल। बाहरी लोगों के साथ उनका सांस्कृतिक संपर्क काफ़ी कम था। सम मेन ट्राइबल ग्रुप्स वर द मुंद्रास संदल्स एंड ओरोगंस इन द छोटा नागपुर रीजन्स द बेगास गोंड्स एंड कोंडंस इन सेंट्रल इंडिया एंड द खसिसेस एंड नागास इन द अदर ईस्टर्न रीजन्स।
कुछ मुख्य आदिवासी समूह छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा, संथाल और उर्राव थे। मध्य भारत में बेंगा, गोंड और खोंड एंड अन्य पूर्वी क्षेत्रों में खासी और नागा थे। ट्राइबल वेज ऑफ लाइफ मीन्स जनजातीय जीवन शैली। ईच ट्राइबल सोसाइटी फॉलोड इट ओन रूल्स। दे हैड ए डिस्टिंक्ट कल्चर विथ नो इंटरफेरेंसेस फ्रॉम आउटसाइड्स। प्रत्येक आदिवासी समाज अपने अपने नियमों का पालन करता था। बाहरी लोगों के हस्तक्षेप के बिना उनकी एक अलग संस्कृति थी। दे फॉलोड देयर ओन कस्टम्स रिट्यूल्स एंड बिलीफ्स। वे अपने अपने रीति रिवाजों और मान्यताओं का पालन करते थे। द ट्राइबल पीपल डिपेंडेड ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द रिजाइंस वर दे लिव्ड। वे अपने आदिवासी लोग उस क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर थे जहाँ वे रहते थे। दे एंगेज्ड इन वेरियस एक्टिविटीज लाइक हंटिंग एंड गैदरिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस हर्डिंग एंड रियरिंग एनिमल्स एंड एग्रीकल्चर। दे मोस्टली ऑब्जर्व्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन। वे विभिन्न गतिविधियों जैसे शिकार और वन उत्पादों को इकट्ठा करना, पशुपालन और पशुपालन को कृषि में लगे हुए थे। उन्होंने ज़्यादातर स्थानांतरित खेती को भी देखा। इफेक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल मीन्स ब्रिटिश शासन का प्रभाव। द ट्राइब्स वर ट्रेडिशनली ए क्लोज निट कम्युनिटी हु प्रेफर टू लिव इन आइसोलेशन। जनजातियां परंपरागत रूप से एक घनिष्ठ समुदाय थी जो अलग थल रहना पसंद करती थी। दे डिड नॉट इनकरेज आउटसाइडर इन टू देयर ग्रुप। व्हाट द ब्रिटिश रूल ब्रॉट अबाउट मैनी चेंजेस इन देयर लिव्स। उन्होंने अपने समूह में बाहरी लोगों को प्रोत्साहित नहीं किया, लेकिन ब्रिटिश शासन ने उनके जीवन में कई बदलाव लाए। The tribes were rendered landers as the tracks of the lands which the tribals who were allowed to keep their land had to pay high revenue to the British. आदिवासियों को भूमिहीन बना दिया गया था क्योंकि जिन जनजातियों को अपनी भूमि रखने की अनुमति दी गई थी उन्हें अंग्रेजों को उच्च राजस्व देना पड़ता था। The tribes chiefs lost their former importance. आदिवासी प्रमुखों ने अपना पूर्व महत्व खो दिया। The company also made changes in the forest law. कंपनी ने वन कानूनों में भी बदलाव किया। Since tribal could not collect forest good as before, their lifestyle changed entirely. चूँकि आदिवासी पहले की तरह वन सामग्री एकत्र नहीं कर सके, इसीलिए उनकी जीवन शैली पूरी तरह बदल गई। द इंटरफ्रेंसेज ऑफ क्रिश्चियंस मिशनरीज वाज आल्सो नॉट वेलकम्ड बाय द ट्राइबल। ईसाई मिशनरियों के हस्तक्षेप का भी आदिवासियों ने स्वागत नहीं किया। They looked down upon them as a threat to their religion. All these factors lead to revolts by many tribal groups. वे उन्हें अपने धर्म के लिए खतरे के रूप में देखते थे। इन सभी कारकों के कारण आदिवासियों के कई समूहों ने विद्रोह किया। Tribal revolts means जनजाति विद्रोह। There occurred many tribal revolts during the 19th century. 19वीं शताब्दी के दौरान कई जनजाति विद्रोह हुए। द मेन कॉज ऑफ दीज रिवॉल्ट्स वाज द डिसरप्शंस ऑफ द ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल ऑफ द ट्राइबल। इन विद्रोहों का मुख्य कारण आदिवासियों की पारंपरिक जीवन शैली का विघटन था। ट्राइबल रिवॉल्ट्स लेड टू मैनी कन्फ्रंटेशंस बिटवीन द वेल इक्विप्ड आर्मी ऑफ द ब्रिटिश एंड द ट्राइबल रिवल्स। जनजातीय विद्रोह के दौरान या कारण ब्रिटिश और जनजातीय विद्रोहियों के सुसज्जित सेना के बीच कई टकराव हुए। मैनी टाइम्स द
ऑप्रेस्ड नॉन ट्राइबल पीपल आल्सो ज्वाइन द रिवॉल्स। कई बार उत्पीड़ित और गैर आदिवासी लोग भी विद्रोह में शामिल हुए। खासी रिवॉल्स मीन्स खासी विद्रोह। द खासी ट्राइब्स लिव्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। खासी जनजाति भारत के उत्तर पूर्वी भागों में रहती थी। आफ्टर एनेक्सिंग द ब्रह्मपुत्र वैली द ब्रिटिश डिसाइडेड टू बिल्ड ए रोड कनेक्टिंग द सिलहेट्स एंड ब्रह्मपुत्र वैलीज। ब्रह्मपुत्र घाटी पर कब्जा करने के बाद उन्होंने अंग्रेजों ने सिलहट और ब्रह्मपुत्र घाटियों को जोड़ने वाली सड़क बनाने का फैसला किया। दिस रोड पास्ड थ्रू द टेरिटरी ऑफ द खासी ट्राइब। यह सड़क खासी जनजाति के क्षेत्र से होकर गुजरती थी। द ट्राइबल डिड नॉट टेक द मास अराइवल ऑफ आउटसाइडर लाइक द कंपनी ऑफिशियल्स यूरोपियन इंजीनियर्स बंगाल ट्रेडर्स एंड कंस्ट्रक्टर्स एट्सेट्रा। आदिवासियों ने कंपनी के अधिकारियों यूरोपीय इंजीनियरों बंगाल के व्यापारियों और ठेकेदारों आदि जैसे बाहरी लोगों के बड़े पैमाने पर आगमन को नहीं लिया। फियरिंग फॉर देयर फ्रीडम दे डिसाइडेड टू टैकल द ब्रिटिश बाय अटैकिंग दैम अंडर द लीडरशिप ऑफ देयर चीफ यूटरोड सिंह। अपनी स्वतंत्रता के डर से उन्होंने अपने प्रमुख यूटरोड सिंह के नेतृत्व में उन पर हमला करके अंग्रेजों से निपटने का फैसला किया। मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल्स वर किल्ड इन द प्रोलॉन्ग्ड वॉर अगेंस्ट द खासीज। खासी के खिलाफ लंबे युद्ध के में कई ब्रिटिश अधिकारी मारे गए। हाउएवर इन 1832 द खासीज एक्नॉलेज्ड ब्रिटिश सुप्रमेसी एंड सरेंडर्ड। हालांकि 1832 में खासियों ने ब्रिटिश वर्चस्व को स्वीकार किया और आत्मसमर्पण कर दिया। देयर चीफ टिरोज सिंह वॉज इम्प्राइज्ड इन डाका, डाका नाउ इन बांग्लादेश। वहां प्रमुख टिरोज सिंह को डाका, डाका अब बांग्लादेश में कैद कर दिया गया था। मोर टू नो द वेयर ट्राइबल्स ऑफ सेंट्रल इंडिया लिव्ड ओनली ऑन फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड कंसिडर्ड इट ए शेम टू वर्क एज लेबरर्स फॉर द अदर्स। मध्य भारत में वेया आदिवासी केवल वन उपज पर रहते थे और दूसरों के लिए मजदूर के रूप में काम करना शर्म की बात मानते थे। संताल रेविलियंस 1855 to 1856। द संथाल ट्राइब्स वॉज फाउंड इन छोटा नागपुर एंड सिंगवम रिजाइंस ऑफ मॉडर्न झारखंड संथाल परगन्स ऑफ बिहार एंड बिरहम एंड वनकुरा ऑफ बंगाल। संथाल जनजाति आधुनिक झारखंड के छोटा नागपुर और सिंगवम क्षेत्र बिहार के संथाल परगना और बंगाल के भीरभूम और बांकुरा में पाई गई थी। देयर रिवोल्ट वॉज डायरेक्टेड अगेंस्ट द दिकुत आउटसाइडर्स द जमींदार्स मनी लैंडर्स मर्चेंट्स एंड द कंपनी ऑफिशियल्स हु मेड द संथाल्स लैंडलेस एंड होमलेस। उनका विद्रोह टिकुओं मीन्स बाहरी लोगों जैसे जमींदारों साहूकारों व्यापारियों और कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ निर्देशित किया गया था जिन्होंने संथालों को भूमिहीन और बेघर बना दिया था। कन्हू भैरो कन्हू मुर्मू चंद सिदो। मुर्मू वर द चीफ संथाल लीडर्स हु क्लेम टू हैव द ब्लेसिंग ऑफ देयर ठाकुर गॉड टू स्टेबलाइज संथाल इंडिपेंडेंस। भैरो कान्हू मुर्मू चांद सिदो। मुर्मू प्रमुख संथाल नेता थे जिन्होंने संथाल स्वतंत्रता की स्थापना के लिए अपने ठाकुर मीन्स भगवान के आशीर्वाद का दावा किया था। सम अदर ऑपरेस्ड सेक्शंस लाइक द ब्लैक स्मिथ्स लोहार ऑयल प्रेसर्स तेली पॉटर्स कुम्हार्स एंड वीवर्स बंगर्स ज्वाइन द संथाल्स इन देयर एग्रीटेशन। कुछ अन्य
उत्पीड़ित वर्ग जैसे लोहार, तेल दबाने वाले मीन्स तेली, कुम्हार, बुनकर मीन्स बंकार, उनके आंदोलनों में संथालों में शामिल हो गए। हाउएवर द संथाल्स वर नो मैच फॉर द ब्रिटिश फोर्स विद देयर सुपीरियर वीपन्स, सो डिस्पाइट देयर करेज थाउजेंड्स ऑफ संथाल्स वर किल मर्सीलेसली एंड देयर विलेजेस वर डिस्ट्रॉयड। हालांकि द संथाल अपने श्रेष्ठ हथियारों के साथ ब्रिटिश सेना के लिए कोई मुकाबले में नहीं थे, इसलिए उनके साहस के बावजूद हजारों संथालों को बेरहमी से मार दिया गया और उनके गांवों को नष्ट कर दिया गया। द लीडर सिदो एंड कन्हू वर कैप्चर्ड एंड किल्ड। नेताओं सिदो और कान्हू को पकड़ लिया गया और मार डाला। इन दिस वे द ब्रिटिश क्रस्ट द संथाल रिवोल्ट एंड ओनली द मेमोरीज ऑफ द हेरोइक स्ट्रगल और ब्रेक संथाल वेरियर्स रिमेंड। इस तरह अंग्रेजों ने संथाल विद्रोह को कुचल दिया और वीरों के वीर संघर्ष की यादें ही संथाल योद्धा बन रह गई। मुंडा रिवॉल्ट्स 1897-1900। द मुंडा रेबेलियंस वॉज एमोंग द मोस्ट पावरफुल ट्राइबल रिवॉल्ट्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। मुंडा विद्रोह ब्रिटिश शासन के दौरान सबसे शक्तिशाली आदिवासी विद्रोह में से एक था। द मुंडा ट्राइब्स इज ए नेटिव ऑफ छोटा नागपुर डिजाइंस। मुंडा जनजाति छोटा नागपुर क्षेत्र की मूल निवासी है। बिरसा मुंडा 1875-1900 वास प्रोबेबली बॉर्न इन रांची झारखंड इन द मुंडा ट्राइब्स। बिरसा मुंडा 1875-1900 का जन्म संभवतः रांची झारखंड में मुंडा जनजाति में हुआ था। फ्रॉम ए वेरी यंग एज बिरसा वाज सेंसिटिव टुवर्ड्स द एक्सप्लोरेशंस ऑफ हिज पीपल बाय द ब्रिटिश। बिरसा बहुत छोटी उम्र से ही अंग्रेजों द्वारा अपने लोगों के शोषण के प्रति संवेदनशील। मुंडाज वर रिगार्डेड एज द खुंड कट्टीदार ओरिजिनल क्लीनर्स ऑफ फॉरेस्ट, सो दे इंजॉयड द फर्स्ट राइट ऑन देयर लैंड। मुंडाओं को खुंड कट्टीदार मीन्स जंगलों के मूल क्लीनर के रूप में माना जाता था, इसीलिए उन्हें अपनी भूमि पर पहला अधिकार प्राप्त था। अंडर द ब्रिटिश रूल द ठेकेदार्स कॉन्ट्रैक्टर्स जगीदार्स लैंड ओनर्स हकीम्स कंपनी ऑफिशियल्स एंड अदर पीपल डिनाइड देम दिस बेनिफिट। ब्रिटिश शासन के तहत ठेकेदार जागीरदार मीन्स जमींदार, हकीम मीन्स कंपनी के अधिकारी और अन्य लोगों ने उन्हें इस लाभ से वंचित कर दिया था। मुंडास वर जनरली ए पीस लविंग ट्राइब। मुंडा आम तौर पर एक शांतिप्रिय जनजाति थे। इन 1894 द फेलियर ऑफ मॉनसूनस कॉज्ड फेमाइन फॉलोव्ड बाय एपिडेमिक्स। 1894 में मानसून की विफलता के कारण अकाल पड़ा था और उसके बाद महामारी आई। ए लीडर्स ऑफ द मुंडा ट्राइब्स बिरसा सॉट रेमिशंस ऑफ फॉरेस्ट टैक्सेस फ्रॉम द कंपनी। However, he was denied and later arrested. मुंडास जनजाति बिरसा के नेता के रूप में कंपनी से वन करों की छूट, हालांकि उन्हें मना कर दिया गया था और बाद में गिरफ्तार भी कर दिया गया था। After his release, बिरसा मुंडा lead a movement against the British to establish the independence of his tribe. हालांकि अपनी रिहाई के बाद बिरसा मुंडा ने अपने कबीले की स्वतंत्रता की स्थापना के लिए अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन का नेतृत्व किया। दिस मूवमेंट केम टू बी नोन एज उलगुनाल ग्रे टुमुल्ट अंडर द स्लोगन आवे राजते जाना महारानी राज टुंडू जना, विच मीन्स लेट द किंगडम्स ऑफ द क्वीन वी एंडेड एंड आवर किंगडम्स वी इस्टेब्लाइज्ड। इस आंदोलन को अबू राज
से जाना महारानी राष्ट्रुंडू जाना के नारे के तहत उलगुनाल महान कोलाहल के रूप में जाना जाने लगा, जिसका अर्थ है कि रानी के राज्य को समाप्त कर दिया जाए और हमारे राज्य की स्थापना की जाए। ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ धरती अवा मीन्स फादर ऑफ द अर्थ बाय द फॉलोअर्स एंड सपोर्टर्स। उन्हें उनके अनुयायियों और समर्थकों द्वारा धरती अवा मीन्स पृथ्वी के पिता की उपाधि दी गई थी। बिरसा वॉन्टेड टू स्टेबलाइज द मुंडा राज एंड ब्रिंग बैक द गोल्डन एज ऑफ द मुंडाज। बिरसा मुंडा राज की स्थापना करना चाहते थे और मुंडाओं के स्वर्ण युग को वापस लाना चाहते थे। द ब्रिटिश डिड नॉट टेक रेबिलियंस टू काइंडली। अंग्रेजों ने विद्रोहों को भी दया से नहीं लिया। देयर वर सेवरल आर्म्स कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द मुंडास एंड द ब्रिटिश इन विच मैनी मुंडा मैन वुमेन एंड इवन चिल्ड्रंस फेल टू ब्रिटिश बुलेट्स। मुंडाओं और अंग्रेजों के बीच कई सशस्त्र संघर्ष हुए जिसमें कई मुंडा पुरुष महिलाएं और यहां तक कि बच्चे भी ब्रिटिश गोलियों के शिकार हो गए। मैनी वर अरेस्टेड इंक्लूडिंग बिरसा। बिरसा समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इन 1895 बिरसा वाज इम्प्रिज्ड इन द रांची जेल फॉर टू ईयर्स। 1895 में बिरसा को 2 साल के लिए रांची जेल में किया गया था। व्हेन ही वाज रिलाइज्ड इन 1897 ही बिगिन टू अटैक पुलिस स्टेशंस एंड चर्चेज एंड रेडेड द प्रॉपर्टीज ऑफ मनी लेंडर्स एंड जमींदार। 1897 में जब उन्हें रिहा किया गया था तो उन्होंने पुलिस स्टेशनों और चर्चों पर हमला करना शुरू कर दिया गया और साहूकारों और जमींदारों की संपत्ति पर छापा मारा। दे अरेस्टेड ए वाइट फ्लैग एज ए सिस्टम ऑफ बिरसा राज। उन्होंने बिरसा राज की व्यवस्था के रूप में सफ़ेद झंडा फहराया। इन 1900 बिरसा डाइड इन कॉलेरो। 1900 में हैजा से बिरसा की मृत्यु हो गई। आफ्टर बिरसा मुंडास डेथ द मूवमेंट एंडेड। बिरसा मुंडा की मृत्यु के बाद आंदोलन समाप्त हो गया। बिरसास मूवमेंट वाज सिग्निफिकेंट इन टू फेज। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फोर्स्ड द कॉलोनियल्स गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस लॉज सो दैट द लैंड ऑफ द ट्राइबल्स कुड नॉट बी ईजीली टेकन ओवर द ब्रिटिश। एंड सेकेंडली इट शोज दैट द ट्राइबल पीपल हैड द कैपेसिटी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस एंड एक्सप्रेस देयर एंगर अगेंस्ट कॉलोनियल रूल। बिरसा का आंदोलन 2 तरह से महत्वपूर्ण था। पहला, इसने औपनिवेशिक सरकार को कानून बनाने के लिए मजबूर किया ताकि आदिवासियों की भूमि आसानी से अंग्रेजों द्वारा नहीं ली जा सके, और दूसरा यह दर्शाता है कि आदिवासी लोगों में विरोध करने की क्षमता थी। न्याय के खिलाफ, औपनिवेशिक शासन के खिलाफ अपना गुस्सा व्यक्त किया। केस स्टडी, ब्रिटिश एग्रीकल्चरल पॉलिसीज कॉन्ट्रास्टिंग इफेक्ट्स बंगाल एंड बिहार मीन्स ब्रिटिश कृषि नीति के विपरीत प्रभाव बंगाल और बिहार। द पीसेंट ऑफ बंगाल एंड बिहार हैड टू फेस हार्ड टाइम्स व्हेन द कंपनी फोर्स्ड देम टू ग्रो कमर्शियल क्रॉप्स रिपीटेडली। बंगाल और बिहार के किसानों को कठिन समस्या का सामना करना पड़ा जब कंपनी ने उन्हें बार बार वाणिज्यिक फसलें उगाने के लिए मजबूर किया। दिस रिड्यूस्ड द फर्टिलिटी ऑफ देयर सॉइल। इससे उनकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो गई। लेटर व्हेन द प्राइसेस ऑफ सेवरल कमर्शियल क्रॉप्स फेल इन द वर्ल्ड मार्केट द प्लांटर्स डिड नॉट हेल्प द फार्मर्स। बाद में विश्व बाजार में जहां कई व्यावसायिक फसलों के दाम गिरे वहां बागान मालिकों ने किसानों की मदद नहीं की। पंजाब फेस्ड एन इंटायरली डिफरेंट सिचुएशंस व्हेन इट केम टू ब्रिटिश इन्फ्लुएंस्ड ऑन देयर एग्रीकल्चर। पंजाब को अपनी कृषि पर ब्रिटिश प्रभाव के मामले में एक पूरी तरह से अलग स्थिति का सामना करना पड़ा।
पंजाब वाज एनेस्ड इन 1849 में पंजाब पर कब्जा कर लिया गया था। एट दैट टाइम कॉटन वाज इन ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड सो द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन वाज प्रॉफिटेबल। उस समय पूरे विश्व में कपास की बहुत मांग थी, इसीलिए कपास की खेती लाभदायक थी। सिंस द कल्टिवेशन एक्टिविटी वॉज बेनिफिशियल टू द ब्रिटिश दे एक्सटेंडेड कैनल इरीगेशन इन द रीजन एंड ब्रॉड वेस्ट लैंड अंडर कल्टिवेशन। चूँकि यह खेती की गतिविधि अंग्रेजों के लिए फ़ायदेमंद थी, इसीलिए उन्होंने इस क्षेत्र में नहर सिंचाई का विस्तार किया और बंजर भूमि को खेती के तहत लाया। रेल्स लाइन्स वर लेड एंड सम इंडस्ट्रीज वर आल्सो स्टेबलाइज्ड। रेल लाइन्स बिछाई गईं और कुछ उद्योग भी स्थापित किए गए। द अपर वरी डॉव कैनल वॉज द फर्स्ट कैनल टू बी बिल्ट इन पंजाब इन 1862-61। अपर वारी दो आव नहर 1860 से 1861 में पंजाब में बनने वाली पहली नहर थी। ए फ्यू ईयर्स लेटर इन 1887 द सिरहिंद कैनल वॉज कम्प्लीटेड। कुछ साल बाद 1887 में सरहिंद नहर बनकर तैयार हुई। इन 1886-88 एलमोस्ट 76,000 हेक्टेयर्स ऑफ वेस्ट लैंड इन मुल्तान डिस्ट्रिक्ट वॉज ब्रॉट अंडर द कल्टिवेशन यूजिंग वाटर फ्रॉम द सतलुज रिवर। 1886-88 में सतलुज नदी के पानी का उपयोग करके मुल्तान ज़िले में लगभग 76,000 हेक्टेयर बंजर भूमि को खेती के तहत लाया गया था। सून द प्रोविंस ऑफ पंजाब वाज क्रीज क्रॉस्ड बाय कैनल्स। जल्द ही पंजाब प्रांत नहरों से पार हो गया। सराउंडेड बाय ड्राई डेजर्ट रीजन्स मोस्ट ऑफ द पंजाब वाज नाउ ए ह्यूज ओएसिस ऑफ ग्रीन वेयर एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर वाज प्रैक्टिस्ड वीट एंड कॉटन वर द लार्जेस्ट क्रॉप्स। शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों से घिरा पंजाब का अधिकांश भाग अब हरे रंग का एक विशाल नकल स्थान था, जहां व्यापक कृषि का अभ्यास किया जाता था। गेहूं और कपास सबसे बड़ी फसलें थीं। अदर क्रॉप्स इंक्लूडेड राइस शुगर कैन मिलेट्स ऑयल सीड्स पल्सेस फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। अन्य फसलों में चावल गन्ना बाजरा तेल तिलहन दालें फल और सब्जियां शामिल थी। इन दिस वे द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द एग्रीकल्चरल कम्युनिटी इन पंजाब इम्प्रूव्ड कंसिडरेबली इन कॉन्ट्रास्ट विद द फार्मर्स ऑफ बंगाल एंड बिहार। इस तरह बंगाल और बिहार के किसानों की तुलना में पंजाब में कृषि समुदाय के जीवन की गुणवत्ता में काफ़ी सुधार हुआ। रिकैपिटुलेशंस मीन्स पुनर्पूंजीकरण। नंबर वन, द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड थ्री मेजर लैंड रिवेन्यू सिस्टम परमानेंट सेटलमेंट रेयतवारी सेटलमेंट्स एंड महलवारी सेटलमेंट्स इन टू क्रीज इनकम फ्रॉम लैंड रिवेन्यू एंड रेगुलाइज इट। अंग्रेजों ने भू राजस्व से आय बढ़ाने और इसे नियमित करने के लिए तीन प्रमुख भू राजस्व प्रणाली स्थाई बंदोबस्त रेयतवारी बंदोबस्त और महलवारी बंदोबस्त की शुरुआत की। नंबर टू, इन द रेयतवारी सिस्टम द लैंड रिवेन्यू वाज नॉट कलेक्टेड बाय द जमींदार बट वाज टेकन फ्रॉम द रेयट्स एंड कल्टीवेटर्स डायरेक्टली एंड डिपॉजिट इन द गवर्नमेंट ट्रेजरी। रेयतवारी व्यवस्था में जमींदार द्वारा भू राजस्व की वसूली नहीं की जाती थी, बल्कि सीधे रेयतों या काश्तकारों से ली जाती थी और सरकारी खजाने में जमा कर दी जाती थी। नंबर थ्री, वेरी हैवी ड्यूटीज वर इम्पोज्ड ऑन इंडियन गुड्स एक्सपोर्टेड टू इंग्लैंड वेयर एज ब्रिटिश गुड्स वर इम्पोर्टेड इन टू इंडिया एट द नॉमिनल ड्यूटी। इंग्लैंड को निर्यात किए जाने वाले भारतीय सामानों पर बहुत भारी शुल्क लगाया जाता था, जबकि ब्रिटिश माल भारत में मामूली शुल्क पर आयात किया जाता था।